नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के लंदन प्रवास की खबरों के साथ। जी हां, लंदन का ये दौरा रंग ला रहा है। लंदन दौरे के तीसरे दिन प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक हुई। अलग अलग कंपनियों के साथ 4,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुए हैं। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग अलग एमओयू साइन हुआ, जिनमें 3,800 करोड़ के निवेश की बात है। वहीं ऊषा ब्रेको के साथ 1,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर साइन हुआ है। कयान जेट के साथ उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2,100 करोड़ और केबल कार प्रोजेक्ट के लिए 1,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुआ। कयान जेट औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट विकसित करने को लेकर सहमत है। वहीं रोपवे के क्षेत्र में ऊषा ब्रेको लिमिटेड के साथ हरिद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे विकसित करने पर सहमति बनी है। लंदन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा, पर्यटन, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अलग अलग 80 उद्योग घरानों के ने प्रतिभाग किया है। सीएम के नेतृत्व में गए डेलीगेशन ने इंडिया हाउस और पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया, ब्रिटेन के संसद सदस्यों से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उत्तराखंड आने को आमंत्रित किया है। और सीएम धामी ने लंदन दौरे पर अप्रवासी भारतीयों से बात की, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वो 3 दिन से लंदन में हैं और उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग उन्हें प्यार और सम्मान दे रहे हैं, जिसके लिए वो अभिभूत हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का विकास ही उनका लक्ष्य है। उत्तराखंड के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे, उनके द्वारा जिस प्रकार से, जिस आत्मीय भाव से यहाँ हमारा स्वागत किया गया, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों ने रोली चंदन लगाकर और हमारे उत्तराखंड का जो हमारी माताएं बहनें किसी मंगल अवसर पर जिस वस्त्र को धारण करती हैं, उसको पिछोड़ा बोलते हैं, उस पिछोड़े को धारण करके जिस प्रकार से उन्होंने अनेकों अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यूके में एक और यूके से शांति। इधर हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलौर इलाके में दिल्ली हाईवे पर 4 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग हुई थी। बुलडोजर चलाकर इस प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। एचआरडीए का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये एक्शन लेना पड़ा। चमोली के आपदा प्रभावित गांव पंगनों के 125 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। जिला प्रशासन की टीम आज गांव पहुंची, गांव वालों से बातचीत की और इस दौरान गांव से बाहर विस्थापन की बातचीत हुई है। पंगनों गांव में पिछले 3 साल से भूस्खलन हो रहा है। सर्वे के मुताबिक 40 से 50 मीटर गहरी दरार पड़ चुकी है, जिससे गांव को कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। साथ ही किराए का कमरा लेने वालों को 6 महीने तक सरकार किराया देगी। हर महीने 4,000 रुपए किराए के लिए दिए जाएंगे। देखिए, जोशीमठ विकासखंड में पंगनों गांव में जो पिछले कुछ टाइम से भूस्खलन की वजह से, और आगे जो प्रमुख मांग है कि जो प्रभावित जो परिवार हैं उनका विस्थापन किया जाए, उसके लिए कार्ययोजना बनाने के लिए तहसील के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। सबसे पहले हमारे गांव वालों की, पूरी गांव वालों की मांग ये थी कि हम लोगों को जो उस चपेट में आ रहे हैं भूदशाओं में, उन लोगों को तुरंत विस्थापित की मांग की जाए। और उसके बाद सबसे प्रथम दूसरी मांग ये थी कि स्कूल तुरंत बनाए दिया जाए। क्या देवभूमि में 90 के दशक वाले खालिस्तान आतंकवाद के बीज अब भी जिंदा है? क्या देवभूमि की शान धरती का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी देश को दहलाने के लिए करना चाहते हैं? आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। आतंक और आतंकवादियों की जांच करने वाली
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की दस्तक से बुधवार को देहरादून से लेकर ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर तक हलचल रही। एनआईए की टीम ने खालिस्तान आतंकियों से टेरर कनेक्शन के चलते प्रदेश के दो गन हाउस यानी बंदूक बेचने वालों के यहाँ छापेमारी की। देहरादून के रॉयल गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी को बाकायदा एनआईए की टीम अपने साथ हिरासत में लेकर दिल्ली चली गई। नेगी का इससे पहले भी टेरर कनेक्शन सामने आया था। उन पर खालिस्तान समर्थकों को बंदूक की गोलियां उपलब्ध कराने का आरोप है। और चूंकि इनकी कार्रवाई काफी गोपनीय रहती है तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेमेंटाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी जिसके पास वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसी मामले में एनआईए द्वारा यहां पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की अभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहां रेड की गई है घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर। एनआईए की दूसरी कार्रवाई ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुई, जहां आसिम गन हाउस के मालिक शकील अहमद के घर एनआईए की टीम ने बुधवार तड़के दस्तक दे दी। शकील अहमद पर साल 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक में शामिल बदमाशों के साथ ही हाल ही में कुछ खालिस्तानी आतंकियों को भी हथियार सप्लाई करने का आरोप है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। नाभा जेल का ब्रेकआउट की मामला हुआ था आज से कई साल पहले, उसमें एक व्यक्ति जो बंद हुआ था वो वहां मूल रूप से बाजपुर का रहने वाला है, जो यहां पर आके रह रहा था। उसकी गतिविधियों के संबंध में काफी इनपुट्स इनको मिली थी, वो हमारे को ऑपरेशन के बारे में पूरा इनपुट्स था। दरअसल देहरादून और ऊधम सिंह नगर ये दोनों ही जगहें 1990 के दशक से ही खालिस्तानी आतंकी विचारधारा के समर्थकों का एक सॉफ्ट अड्डा रही। यहाँ के लोगों का पंजाब और कनाडा से संबंध इस टेरर कनेक्शन को खाद पानी देता रहा है। यही नहीं, कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी भी इन दोनों जगहों पर काली निगाह रखते हैं, और एनआईए कार्रवाई की जद में आए दो गन हाउसेस के मालिक इसका जीता जागता सबूत हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व यानी कि दर्जा मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री धामी लंदन दौरे पर जाने से पहले ही दायित्व को हरी झंडी दे चुके थे, आज इसके विधिवत आदेश भी दे दिए गए। पहले नंबर पर ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम है। उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बनाई गई। वहीं रमेश गड़िया उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद के बनाए गए। मधु भट्ट को भी जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद बनाया गया। मुफ्ती शमून कासमी को जिम्मेदारी दी गई है बतौर अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं बलराज पासी की बात की जाए, उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुरेश भट्ट उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद। अनिल डब्बू अध्यक्ष कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड मंडी। कैलाश पंत अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड। वहीं शिव सिंह बिष्ट उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद बनाए गए। नारायण राम डब्डा को जिम्मेदारी दी गई है। हरिराम डब्डा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था की अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये दर्जा प्राप्त मंत्री की जिम्मेदारी इन सभी को सौंपी गई है। 10 नेताओं को दायित्वधारी बनाया गया है। ये नई लिस्ट है जो लंदन जाने से पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी थी इस लिस्ट को, और आज आदेश भी जारी हो गया। तो लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था उत्तराखंड में, धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 10 नेता हैं बीजेपी के, इन 10 नेताओं को जिम्मेदारी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। दर्जा प्राप्त मंत्री की तरह की इनके पास सहूलियतें होती हैं, अधिकार होती हैं। और 10 नेता कौन कौन से हैं वो 10 नाम हम आपको लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। राज्य सरकार अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं स्टार्टअप ग्रोथ सेंटर और होम स्टे योजना की पहली बार समीक्षा करने जा रही है कि ये योजनाएं रोजगार देने से लेकर राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करने में कितनी कारगर साबित हो रही है।
उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ सेंटर जैसी योजना संचालित की जा रही है। तो कोविड के बाद बेरोजगार हुए लोगों के लिए होम स्टे योजना और कुछ नया करने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं लाई गई। प्रदेश में 112 ग्रोथ सेंटर खोले गए तो 625 होम स्टे और 112 स्टार्टअप भी रजिस्टर्ड किए गए। ये वो नंबर हैं जिनको सरकार ने आर्थिक मदद की। सरकार अब नियोजन विभाग के जरिए करीब 5 साल बाद इन योजनाओं की समीक्षा करने जा रही है। ये तीनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो रोजगार सृजन इससे होता है, दूसरा इससे जो हमारी राज्य की आर्थिकी है, जो लोगों की आर्थिकी है जो इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको इनका लाभ प्राप्त होता है, उनकी आर्थिकी से राज्य की जो आर्थिकी है उस पर असर आता है, उस पर फर्क आता है, उसकी वृद्धि होती है। हम लोगों ने स्टार्टअप पॉलिसी को एज ए स्टार्टअप ग्रो होते हुए देखा है। सो अभी की जो रिसेंट पॉलिसी है उसमें मार्केटिंग इंसेंटिव से लेके नीड बेस्ड असिस्टेंस से लेके और जो मंथली अलाउंसेस तक हैं वो सारी चीज़ें हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छे तरह से किया है। प्लानिंग विभाग ऐसे लोगों से सीधे बात करेगा और ये पता लगाया जाएगा कि योजनाओं का कितना फायदा इनको मिला, क्या पॉलिसी में कोई सुधार की जरूरत है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। हम जनपद वाइज इस सर्वे को कर रहे हैं, हमारे 13 जनपदों में हमारे अर्थम संख्या अधिकारी और उनके जो अपर संख्या अधिकारी और सहायक संख्या अधिकारी हैं, सहायक संख्या अधिकारी अपर संख्या अधिकारी को हमने सर्वेक्षण के लिए लगाया है और उनसे कहा गया है कि उनका जो सुपरविजन है वो हमारे अर्थम संख्या अधिकारी करेंगे और हमारे जो मंडलीय संयुक्त निदेशक हैं वो उनका पर्यवेक्षण करेंगे। सामान्य तौर पर सरकारें नई पॉलिसी तो लाती हैं लेकिन वो जमीन पर कितनी कामयाब रही इसकी फिर कभी समीक्षा नहीं होती। ऐसा पहली बार होगा जब सरकार लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर उत्तरकाशी के डोडीताल में अगोड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। राज्य के वन मंत्री भी इस महोत्सव में शामिल हुए। गणेश उत्सव के रूप में वन मंत्री ने देव डोलियों के दर्शन किए और पारंपरिक नृत्य भी किया। वन मंत्री ने इस दौरान कहा कि कई लोगों को इको टूरिज्म में रोजगार मिल रहा है, साथ ही कहा कि डोडीताल इलाके के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा डोडीताल और तमाम यहाँ पर जिस तरह से धार्मिक और पर्यटक स्थल है उसको देखते हुए यहाँ जो संभावनाएं हैं हमने परिवार में निर्णय लिया है। उधर अल्मोड़ा में भी मां नंदा देवी मेले का समापन हो गया और इस मौके पर नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग जुटे, शोभा यात्रा में शामिल हुए, मां नंदा सुनंदा के दर्शन किए। लोगों ने अपने घरों में मां के डोले पर फूल और अक्षत चढ़ाए। भक्तों ने एक बेटी की तरह मां को विदाई दी है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी जो बाद में बढ़ती ही चली गई और मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकली। दुगाल खोला से डोबा डोला में मां की मूर्ति का विसर्जन किया गया। मोड़ा जो है विशेष रूप से मां नंदा का ही स्थान है और यहां पर लगभग 200 वर्षों से मां नंदा का डोरा निकालने की परंपरा रही है। चंद्रवंशी राजाओं की कुलदेवी व पहाड़ों की आराध्य मां नंदा सुनंदा को आज विदा कर दिया गया। पूरा नैनीताल इस दौरान नंदामय दिखा तो बेटी को विदा करने की झलक भी साफ दिखी। पहाड़ की कुलदेवी नंदा बुधवार को अपने मायके से लौट गई। इस दौरान नैनीताल भक्ति में डूबा रहा तो हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। मंदिर से मां नंदा का डोला निकला तो मां के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान लोक संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी पहाड़ की आराध्य राजराजेश्वरी कुल देवी को भेंट देकर विदा किया। बेटी को विदा करने का दुख भी लोगों में दिखाई दिया। हालांकि ये मां नंदा की आस्था का नजारा है कि हर कोई इस रंग में रंगा नजर आया। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देवताओं का वास है उत्तराखंड में। जी हाँ,
किस तरह की फीलिंग इस पूरी भीड़ और इस कल्चर को देख के? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ससुराल तो जा रही है, लेकिन हमारा तो ऐसा रिश्ता है कि मैंने हमारी तो बस दिल में रहती माँ, ससुराल माइके का तो चक्कर ही नहीं है हमारे साथ माँ का। दुख हो रहा है तो बहुत दुख होता है, ये रिवाज है तो रिवाज के अनुसार सांसारिक रिवाज है। माँ नंदा सुनंदा पहाड़ की कुल देवी है, साथ ही नंदा को बेटी के रूप में भी माना जाता है। नैनीताल में 20 सितंबर से महोत्सव शुरू हुआ और 23 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। 6 दिनों की आराधना के बाद पहाड़ की कुलदेवी का नगर भ्रमण हुआ और फिर मां नंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। हजारों की ये भीड़ मां नंदा के प्रति आस्था व्यक्त कर रही है और मां नंदा कैलाश विदा हो रही है तो दुख भी लोगों को उसी तरीके का है। हालांकि कामना यह की जा रही है मां नंदा अगले बरस जल्दी लौट आना। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। यहां रुकेगी एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।